शुरुआत में पहले 5 मिनट प्राणायाम करेंगे, फिर हम उसके बाद हमारा गाने का सेशन शुरू करेंगे, ठीक है? 5 टाइम्स आपको डीप ब्रीथ करना है। जैसे डीप ब्रीथ करने से क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और गाने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो डीप ब्रीथ करेंगे, जैसे यस, फिर रिलीज करो, फिर से एक बार, यस, 10 to 20 आपको डीप ब्रीथ करना है, ठीक है? जिससे क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और गाने के लिए वो हेल्पफुल रहता है, ठीक है? फिर से एक बार करेंगे 5 टाइम, गहरी सांस, यस, अगेन, फिर से, थ्री, अगेन, फोर एंड लास्ट, फाइव, रिलैक्स, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज भस्त्रिका एंड नाउ द नेक्स्ट प्राणायाम इज कपालभाति, विच क्लीन हमारे जो लंग्स होते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो सांस जहां पर स्टोर होती है, राइट, और फिर वहां से वापस निकल के आती है बाहर, तो वहां पर उसको क्लीन करता है। सो हम पूरे दिन में जो भी कचरा हम लोग अंदर लेते हैं वो कचरा साफ हो जाता है, ठीक है? तो उसको कहते हैं हम कपालभाति। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको सांस को बाहर फेंकना है, राइट? इससे आपका गला भी क्लीन होता है, आपका नाक के आसपास जो कफ रहता है वो भी क्लीन होता है, यहाँ पर जो कफ रहता है वो भी क्लीन होता है, गला वोकल कोड के आसपास जो कफ रहता है वो भी क्लीन होता है, और लंग्स में जो हमारा कचरा है वो सब भी निकल जाता है बाहर। तो हम कपालभाति करेंगे, आपको गहरी सांस लेनी है। अब जैसे हम लोग आर्टिफिशियल छींक खाते हैं वैसे आपको छींक खानी है, यस, डू इट 10 टाइम्स, वेरी गुड, जोर से छींक खाओ, यस। जब हम छींक खाते हैं ना, कभी हमको जुकाम हो जाता है, और जब हम छींक खाते हैं तो हमें यहां पर बहुत रिलैक्स फील होता है, ठीक है? तो रिलैक्स फील होने के लिए इस प्राणायाम को करना है। जो भी कफ हमारे नाक के आसपास होता है या सर में होता है या गले में होता है या लंग्स में होता है, वो सब कफ बाहर निकल के आता है, ठीक है? तो ये आपको रोज करना है, ये दो प्राणायाम आपको रोज करने हैं। दोनों प्राणायाम से क्या होता है, गला हमारा क्लीन हो जाता है, ठीक है? नाक हमारे जो यहाँ दो नाड़ी है वो भी क्लीन हो जाती है, यहाँ जो कफ रहता है वो भी क्लीन हो जाता है, और लंग्स में जो कफ रहता है वो भी क्लीन हो जाता है, यहाँ जो कफ रहता है, ठीक है? तो गला और कफ साफ होने की वजह से आप सुर अच्छा लगा सकते हो, गाने में आपको इजी पड़ता है। विल स्टार्ट, हम अभी गाना शुरू करेंगे। अभी हम सा रे ग म प ध नी सा, ये 7 स्वर संगीत में है, वो 7 स्वर को हम लोग गाएंगे साथ में, सा रे ग म प ध नी, और वापस पहला आएगा सा, ठीक है? अभी मैं जो गाता हूं उसको आप फॉलो करेंगे, सा आप सब गाएंगे साथ में, सा सा, सा। गहरी सांस लेकर आपको सुर सुनाई दे रहा है सबको, उस सुर के साथ आपको गाना है सा। गुड, बहुत बढ़िया, फिर से एक बार गहरी सांस लेंगे, सा,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी हम तीन बार ओमकार करेंगे। ओमकार से भी क्या होता है, मन शांत होता है, और गाने में मन शांत बहुत जरूरी होता है। तो हम ओमकार करेंगे तीन बार। चलिए सब लोग ओमकार करेंगे। चलिए गहरी सांस लेकर ओमकार करेंगे। क्लोज योर आईज, आंख बंद करके ओमकार करो, ताकि हमारा ध्यान पूरा गाने में रहे, ओमकार के ऊपर रहे। गहरी सांस लेकर ओमकार करेंगे, पूरा ध्यान हमारा सुर पर होगा, ओमकार के ऊपर होगा। ठीक है, गहरी सांस। यस, वंडरफुल। चलिए मैं जो अभी गाऊंगा आप मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है? आप सब मुझे फॉलो करेंगे, मेरे गाने के बाद आपको गाना है, ठीक है? सारे सुहास, आप मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है? मैं जो गाता हूँ उसके बाद आपको गाना है, ठीक है बेटा? निधिश, आपको भी मेरे गाने के बाद गाना है। सात्विक, आप बैक स्ट्रेट नहीं रख रहे हो, आपको बैक स्ट्रेट रखना है बेटा, सीधा बैठना है। चलो, सारे ग सारे गरे सारे ग आगे आगे जाएंगे। सारे ग म प प ध नी सा प ध नी सा। अभी वहां से हम वापस आएंगे। सा नी ध प सुर में गाएंगे, सब सुर में गाएंगे। सा नी ध प वेरी गुड सुहास। सा नी ध प
निधि जाओ बेटा साथ में आप भी जाओ पागरे सा मागरे सा मागरे सा सारे गामा पधनी सा फिर से एक बार सारे गामा पधनी सा ऊपर जाओ धीरे धीरे सात्विक गाओ वेरी गुड सुहास वेरी गुड सा नी ध प म ग रे सा वेरी गुड अभी इसी को हम आकार में गाएंगे आकार के वक्त आ करो आ आ और टंग को इनसाइड करो आ वेरी गुड सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा अभी हम कुछ पैटर्न्स करेंगे ठीक है ये हमने सीधा सारे गम पध निशा सा नि ध प म ग रे सा पूरा आरोह और अवरोह गाया अभी हम कुछ पैटर्न्स करेंगे इसकी जो पैटर्न हमारे गले को तैयार करता है हमारे गले में से जो हरकत निकलती है वो हरकत को हेल्प करता है वो पैटर्न्स राइट जिसको हम पलटास कहते हैं क्या कहते हैं पलटा उसको अलंकार भी कहते हैं हम ठीक है तो हम ऐसे कुछ करेंगे हम पहले हर सुर को डबल डबल टाइम गाएंगे सा सा रे रे ग ग म म प प ग ग नी सा सा चले सब स्वर डबल गाएं सा सा रे रे ग ग म म प प ग ग नी सा सा अभी वापस आएंगे ऊपर से सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा चलिए गाइए ऊपर से सा 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 रे ध ध प म म म प ध ध नी सा सा ओके हम हाफ हाफ करेंगे ठीक है आप सबको याद रहे इसलिए चार चार सुर करेंगे सा सा रे रे ना हम लोग इसी सुर को थ्री टाइम करेंगे सा 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 रे 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 ग ग ग म म म म सा 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 नी 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 ध ध ध प प प प म म म ग प रे रे सा 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 नी 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा 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 रे ग च रे ग रे ग म रे ग म ग म प ग म प म प ध म प ध प ध नी ऊपर जाओ
dhanisa. Very good. Sanidha. Nidhapa. Nidish gao. Dhapama. Dhapama. Very good. Pamaga. Pamaga. Magari. Magari. Garisa. वेरी गुड. हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अलंकार, इसको कहते हैं पलटा. ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा गला तैयार होता है हर सुर को गाने के लिए, हर डिजाइन को गाने के लिए हमारा गला तैयार होता है. ठीक है. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. लकड़ी की काठी, क्लैप करो साथ में. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. चलिए आगे. घोड़ा पहुंचा चौक में, चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई. घोड़ा पहुंचा चौक में. गाओ सब लोग. नितीश, सुहास, सात्विक, सब लोग गाएंगे मेरे साथ. घोड़ा पहुंचा चौक में, चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई. तकबक 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 तकबक. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम के दौड़ा. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. आगे चलेंगे. घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी. घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी. टकबक 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 टकबक. घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी. दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दौड़ा. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दौड़ा. चलो लास्ट संतरा. घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है. घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है. टकबक टकबक
टक पक टक पक। घोड़ा अपना अर तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। बाह छुड़ा के दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जुमारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। वेरी गुड, आप सबको ये गाना आता है, निधिश को, सात्विक को, आप सबको ये गाना आता है, सुधास आपको भी आता है गाना, सारे गमा पधन इस रियाज आकार एंड हरकत। ओके अगेन, सारे गमा पधनी सा, कम ऑन एवरीवन, सिंग विथ मी, सात्विक, नितीश, सुहास, सारे गमा हमने पूरे क्लास में आज पूरे वर्कशॉप में क्या किया, तो सबसे पहले प्राणायाम किया, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ किया हमने सुबह में, यस 10 times, ओके, यू हैव टू डीप ब्रीथ एवरी डे, प्राणायाम आपको रोज करना है। और उसके बाद हमने कपालभाति किया, दैट इज लाइक 2, 3, 4, 5, दैट इज 10 times, 10 times, आपको 10, 10 times का, आपको 5 times, 10, 10 times के सेट्स करने हैं। सो कपालभाति और भस्त्रिका, ये दोनों प्राणायाम आपको रोज करना है, जिससे हमारा गला और लंग्स क्लीन होते हैं, राइट। देन यू हैव टू डू रियाज एवरी डे, यू हैव टू डू मेडिटेशन एवरी डे, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको एवरी डे आपको सुरों की प्रैक्टिस करनी है, लाइक देन हमिंग भी करना है, और उसके साथ आकार ओके। सो एवरी डे आपको इतना करना है, प्राणायाम करना है, यू हैव टू डू प्राणायाम एवरी डे, यू हैव टू डू हमिंग, हमिंग के बाद यू हैव टू डू ओमकार एवरी डे, ओमकार आफ्टर ओमकार, यू हैव टू डू आकार, टंग इनसाइड, एंड आफ्टर आकार यू हैव टू सिंग सा रे ग म प ध नी सा, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू सिंग इन words and then you have to sing in akar and then you have to do paltas sa sa re re ga ga ma ma, there are so many paltas, you have to practice every time different paltas, it will increase aapke gale ko taiyar karne mein help karta hai, theek hai। So now we'll leave for today, आज का सेशन हम फिनिश करेंगे, see you next time, bye।